हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशन हिंदी टेक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आगे एक न्यू वीडियो लेके आज हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो के न्यू लॉन्च मोबाइल, जो कि एक बजट फ़ोन है ओप्पो A16 के, जो कि 10,000 के अंदर ये फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग करेंगे और डिटेल्स जानेंगे और क्विक रिव्यू भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का ओप्पो A16 के का रिटेल यूनिट का बॉक्स। तो देख सकते हैं ये बॉक्स यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है 3GB और 32GB, और नीचे ए सीरीज का ये लोगो दिया हुआ है। नीचे जो मॉडल है ओप्पो A16 के, उसका भी ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बॉक्स के पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि ओप्पो A16 के नीचे मिल जाएगा 3D स्लीक डिज़ाइन, और बैटरी इसमें देखने को मिलेगा 4230mAh का, यहाँ 4230mAh का बैटरी मिलेगा, और डिस्प्ले मिलेगा HD+ आई केयर डिस्प्ले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे आपको देखते हुए हम लोग का जो वेरिएंट है ये 3GB और 32GB का वेरिएंट है, ये एक ही वेरिएंट में आता है, और हम लोग का जो कलर है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। इसका और एक कलर मिलता है जो कि है वाइट कलर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, हम लोग देख लेंगे इसके अंदर हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग साइड में रख देंगे और देखेंगे बॉक्स में हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं बॉक्स को सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर चलिए देख लेते इसके अंदर हम लोग को क्या मिलेगा। तो देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग को एक बैक केस मिलेगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और एक सिम इजेक्टर पिन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए ये सब भी हम लोग साइड में रख देंगे और आगे देखेंगे बॉक्स में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो देख सकते इसके बाद हम लोग को जो मेन डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। चलिए एक रेफर से मुड़ा हुआ, इसको हम रेफर से बाहर निकलते हैं और फर्स्ट लुक देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ग्लॉसी कलर के साथ ये आता है जो ब्लैक कलर में आता है। तो चलिए फ़ोन को हम लोग बूटिंग करते साइड में रख देंगे और आगे देखेंगे बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख सकते हैं बॉक्स में। तो देख सकते हैं इसके बाद बॉक्स में हम लोग एक चार्जर मिलता है, जो कि हम लोग एक 10W का चार्जर है, और हम लोग इसके बाद एक केबल मिलता है जो कि टाइप ए से टाइप बी केबल है। तो चलिए ये सब कुछ हम लोग साइड में रख देंगे और आगे देखेंगे मोबाइल हम लोग को कैसे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग का जो मोबाइल है बूटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही आपको ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें, डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी और इसका जो फिजिकल ओवरव्यू है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसका जो बैक का डिज़ाइन आपको देखने को मिले, एक कार्व बैक देखने को मिल रहा है जो कि एक पॉली कार्बोनेट का बैक आपको देखने को मिलेगा, उसका एक सिंगल कैमरा मिलेगा। और फ्रंट के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो फ्रंट में हम लोग को मिडिल में एक नॉच डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि हम लोग का एक 6.52 इंच का डिस्प्ले है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे इसका फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर रियर के बारे में बात करें तो रियर में आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा जो कि 13MP का कैमरा है। नीचे आपको देखने को मिलेगा AI लिखा हुआ है, उसके ठीक सारे राइट साइड में आपको एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर नीचे देखिए फ़ोन के एकदम नीचे, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको ओप्पो का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रंट के अगर डिस्प्ले के साइड देखिए, फ्रंट साइड देखिए, इसमें आप लोग को 6.5 इंच का एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक 60Hz का पैनल है। उसके बाद उसका मिडिल में आपको 5MP का सेल्फी देखने को मिलेगा। उसके ठीक ऊपर हम लोग को एक स्पीकर मिल जाएगा कॉलिंग के लिए। उसके बाद राइट साइड के बारे में देखें तो राइट साइड में हम लोग को वॉल्यूम अप डाउन की मिलेगा, उसके ठीक नीचे हम लोग को पावर बटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फोन के लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में हम लोग को सिम ट्रे मिलेगा, जहाँ पर हम लोग दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोन के टॉप में देखें तो टॉप में एकदम हम लोग को प्लेन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बॉटम के बारे में बात करें तो बॉटम में हम लोग स्पीकर ग्रिल मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट मिलेगा जो कि एक टाइप बी पोर्ट है, माइक मिलेगा और 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हम लोग को कोई भी फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देख लेंगे आगे कुछ फीचर्स। फ़ोन के अबाउट फोन में जाके हम लोग देख लेंगे सेटिंग में, इसमें और कुछ क्या कुछ हम लोग को देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर क्या मिलता है, रैम रोम सॉफ्टवेयर ये सब क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले हम लोग को जो मोबाइल है उसका ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, या फिर ओप्पो का जो नाम है मोबाइल का वो नाम मिलेगा ओप्पो A16 के। उसके ठीक नीचे हम लोग को मिलेगा कलर OS 11.1 जो वर्सन है। उसके बाद हम लोग एंड्रॉयड वर्सन यहाँ पर इनबॉक्स एंड्रॉयड 12 देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि एक MediaTek का G35 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर रैम के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को 3GB रैम मिलता है और 32GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाता है। इसका एक ही वेरियंट आपको देखने को मिलेगा, इसका 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर इस फ़ोन का बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को
4230 mAh के बैटरी देखने को मिलेगा। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हम लोग को इन बॉक्स एक 10 वाट का चार्जर मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस मोबाइल के डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल में हम लोग को जो डिस्प्ले मिलता है, ये एक हम लोग को LCD डिस्प्ले मिलेगा 6.52 इंच का, जो कि 60Hz का रेजोल्यूशन है। ये नॉर्मल यूजर्स में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। उसके बाद इस मोबाइल का हम लोग को फिंगरप्रिंट या फिर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो फिंगरप्रिंट इसमें हम लोग को नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। ओप्पो कोई भी मोबाइल में आपको फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको जो फेस अनलॉक है बहुत ही फास्ट आपको अनलॉक कर देगा आपको फ़ोन को। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट अगर बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो इसमें हम लोग को कैमरा मिलता है सिंगल कैमरा, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, जो कि 13 MP का बैक कैमरा मिलता है और 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आगे हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में सेल्फी कैमरा से उठाया कुछ सेल्फी और रियर कैमरा से उठाया कुछ फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट अगर इस मोबाइल का प्राइस के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को जो वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस है ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट में 10,490, 10,500 में इसको ये मोबाइल आप परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।